असेंबली सिंध मकानी हुकूमत तरमीमी बिल 2015 इतफाक़ राय से मंजूर कर वरतो। तरमीमी बिल मूजिब तकबंद जो अख्तियार इलेक्शन कमीशन हवाले करण तोड़े पैनल सिस्टम खत्म कर यूनियन कमेटीज यूनियन काउंसिल्स के वार्ड में विरायो वियो आहे। पार्लियामानी मामलन वाले सूबाई वजीर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रे जो चवण हो तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हिदायतुन ते तरमीमी बिल तैयार किया वियो आहे। जडे तो इलेक्शन कमीशन मकानी चूंडुन जो ऐलान करे तो सिंध हुकूमत चूंडुन लाए तैयार आहे। Sir, move that the bill be passed into law. The motion is that bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it, and bill is passed into law. लेकिन सिंध गवर्नमेंट हर वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के कराने के लिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने के लिए तैयार रही है। आज भी हम तैयार हैं, जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी करे उस वक्त तक हम बिल्कुल एग्जैक्टली 100% तैयार हैं। बात मैंने क्लियर कर दी, क्वाइट सिंपल, कि जब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होगा प्रोसेस तो डिलिमिटेशन के अख्तियार उनके पास है। प्राइवेट मेंबर्स डे वाले सिंध असेंबली के इजलास में फंक्शनल लीग से ताल्लुक रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली नंद कुमार पारा सूबे अंदर अकलियती शागिदन लाए निसाब मजहबी किताब शामिल करण वारो पेश कयल खानगी ठहराव इतफाक़ी राय से पास कयो वियो। सिंध असेंबली के इजलास में सरकार पारा सिंध सरकारी मिल्कियत की इंश्योरेंस बिल 2015 एमक्यूएम की मुखालफत बावजूद कसरत राय से मंजूर कयो वियो। सिंध असेंबली के इजलास में ऐवान के आगाही डींदे तवानाई खाते के सूबाई वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो तो सिंध के मुख्तलिफ गोठन के बिजली देने जो पंजो मरहलो जारी है, जै मद 5000 का वधीक गोठन के बिजली फराहम करण वारो अमल पूरो थी वेंदो। सिंध असेंबली पारा अकलियती शागिदन लाए निसाब में किताब शामिल करण तोड़े उस्ताद मुकर्र करण वारो ठहराव पास थियण यकीनन सिंध के सूफी सोच की अकासी है। कैमरामैन अली रज़ा दीदी सां कमाल लाशारी, सिंध टीवी न्यूज कराची। सूबाई वजीर मंजूर बसाण है तो एमक्यूएम के पीपीए का सिवाय सुख ना है इंदो नाराजगी जो गाल दुरुस्त ना है। कराची में मीडिया से गालंदे मंजूर बसाण एमक्यूएम का सिवाय खेन कदें कदें निंड अची वी है। संद चवण त खराब ख्वाब खराब मान डिठा वा सुन ख्वाबन के इंतजार में है। मंजूर बसाण जेल जो दौरों कर रो है, कुछ मू इंदा कुछ वींदा। सूबाई वजीर जो चवण हो तो चाहे तो एक बैरक जल्द ठाए वे नहीं चाहिए। ये तो मैं हर अच्छे ख्वाब के लिए बिल्कुल इंतजार में होता हूँ, जब अच्छा ख्वाब बताए और इंशाल्लाह मिले। बुरा ख्वाब देखा है सर? बुरा ख्वाब बुरों के लिए देखा जाता है। डेफिनेटली जेल की विजिट भी कर रहा हूँ, मैंने कहा है कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, और जेल में तो आजकल कोई जगह भी इतनी नहीं है, और वो भी सोच रहा हूँ तो एक जो बैरक्स जल्दी बना लो, मतलब इधारों का भी है और वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे लाहना डे सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंजर्स का रोल है, मुख्तलिफ एजेंसीज का रोल है, पुलिस का रोल है, इसी तरह पॉलिटिकल सेटअप में भी जो अपेक्स कमेटी है वो मिल बैठ करके फैसला तय करते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। एमक्यूएम राजी नाराजगी ये कहने की बात है, असल हमारे साथ हैं और बिल्कुल कोई फिक्र न करो। ये भी मालूम हुआ है जो आप गालबन खैरपुर मीरत शहर की बात करेंगे, वो भी मुझे भी कल पता मालूम हुआ, कल ही मुझे पता चला इब्तदा की गई है, वो इंक्वायरी हम करेंगे, उनको हमारे बगैर चैन नहीं है। पीपीएमपी मीन नादर मक्सी है तो पार्टी क्यादत जुल्फकार मिर्जा में तकरार नंढो मसलो ना है, उनमें को बो मामलो भी है। कराची में मीडिया से गालंदे मीन नादर मंगसी परदे वयल हो, खेस मिर्जा वाले मामले की का भी खबर न हुई। उन डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी बाबत जो कुछ गाल रो है वो खेस जेब न तो दे। पीपीए अगवाण जो चवण हो तो पार्टी क्यादत डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा में तकरार घर जो मसलो है, जो घर अंदर ही हल थियण घुर्जे। मीन नादर मंगसी मीडिया से गाल बोल दौरान वह वजाहत भी कई तो केंद्र चवण से न पर मर्जी से इन मामले से गाल रो है, छाकाण त खेस पार्टी अंदर झेड़ो डिसी दुख थे तो। मीडिया पे जो चल रहा था मसला पीपल्स पार्टी के बारे में खास और जुल्फिकार मिर्जा साहब का, मेरा दिल ये चाह रहा था मिर्जा साहब भी जो सिंधी में चवंदा घर जो भाती है, घर का आदमी है, और मुझे ये बात चुभ रही थी। ये मसाइल मसले जो उन्होंने काफी खड़े भी किए, मेरा ख्याल मैंने सारी तो उनकी नहीं देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या जो इंटरव्यूज हुए हैं,
पर जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा। खासतौर उनको मैं चंद लफ्ज में ये कहना चाहूंगा, उनको ये जेब नहीं देता जो वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर, आसिफ साहब के ऊपर, उनको ये नहीं करना चाहिए। उन बातें बजाएं, उनको प्रॉब्लम है पार्टी के साथ या उनकी दूसरी लीडरशिप के साथ। मुझे तकलीफ हो रही है, मैं इसी वास्ते आया हूं इधर, किसी के कहने पे नहीं आया हूं। मुझे तकलीफ हो रही है कि ये खासतौर, कोई और अगर लगाता ना इल्जाम तो मैं शायद आता भी नहीं था। घर का मसला है, भाई है, हम लोग चाहते हैं कि ये मसला जैसे खराब हो रहा है ना, और खराब होएगा, ये नहीं होना चाहिए। बैठकर मसले को हल करो, जाहिर है मसला दोनों तरफ से ही हल होता है, एक तरफ से हल नहीं होता। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो चंद दिनों से बाहर था, जब तो वापस आया तो मैंने ये लोगों की मीडिया पे ही सुना है कि गड़बड़ शुरू हो गई है। छोटा मसला नहीं है, कुछ इसमें और भी मसला है। कौम परस कारकुन अनीस उमरे जो कत्ल केस कराची के सचल थाने से दाखिल किया है। डीआईजी सीआईए सुल्तान ख्वाजा वाके बाबत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई, जै बाद सचल थाने से केस दाखिल किया। जरियन मौजिब रिपोर्ट में चया है तो उन वक्त के सचल थाने ए मौजूदा सोरापुर थाने के एसएचओ इस्माइल आशारी, बशीर खोसे, खालिद भुट्टे ए मुख्तियार मंगी अनीस उमरे के मानून सामू खी लॉकअप किया, जै बाद केस कत्ल कर लाश उछलो वो। डीआईजी की रिपोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट मुलविस पुलिस ऑफिसरन खिलाफ केस दाखिल करण जो हुक्म दिनों, जै बाद मकतूल अनीस उमरे के पी अनवर उमरे की फरियाद से केस दाखिल किया है। वाजे रहे तो अनीस उमरे के कत्ल खिलाफ संदस वारसन तोड़े मुख्तलिफ तंजीमन सख्त एहतजाज किया हो। अगवाणन जो चवण हो तो एसएचओ इस्माइल आशारी मकतूल के पी का 5 लाख रुपया घुरा, रकम न मिलने से संदस पुट के उन तालिबान जाना कत्ल किया हो। कंधरा वेझो पोलियो जा टे केस सामू अचण बाद सखर जिले के पोलियो फ्री करार दींद इंतजामिया की पत वायठी थी वही है। कंधरा के गोच अबेलो जतन में टिन बारन 8 वरियन की नींगरी कश्मीर, 5 वरियन के कश्मीर ए 10 वरियन के सुल्तान खुने में पोलियो होजन जो इंकशाफ थो। मुतासर बारन के वालदेन रहीम बख्श खुने सिंध टीवी न्यूज से गालाइंदे बुधायो तो संदस बार सही पैदा थिया हैं, जडे उम्र वधी वही तो संदन जगहों फेरण शुरू थी वयू हैं। हुन चयो तो हु बारन के बाकायदगी सा पोलियो जा फुड़ा प्यारींदा हुआ, उन बावजूद भी हू पोलियो के मर्ज मुब्तला थी वया। रहीम बख्श खुने इल्जाम मरियो तो सेहत खाते के आगाह कर बावजूद बारन की चकास ना कई वही। रहीम बख्श मुतालबो कयो तो बारन जो इलाज कराए ना अहल इंतजामिया खिलाफ कार्रवाई कई वे। कौमी अवामी तहरीक के सदर हयात रतीफ अली के अगूणे सूबे घर वजीर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा करप्शन खिलाफ एक बे की मदद करण जो ऐलान कयो आहे। अयाज लतीफ अली के डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के फोन करे मुख्तलिफ मामलन ते गालियों कयों। उन मौके ते डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जो चवण हो तो संदस तोड़े कौमी अवामी तहरीक जो करप्शन ए दहशतगर्दी खिलाफ वाजे मौकिफ आए। उन संदन मौकिफ आए तो गडजी सिंध के वसीलन के बचाया वे। अयाज लतीफ पलीजे जो चवण हो तो सिंध मुल्क बचाने लाए करप्शन तोड़े डोहन खिलाफ जंग करनी पवंदी। नूरियाबाद बेन हादसे में सड़ी फोत थी वेल हैदराबाद वासी जाल मुड़स के मिट्टी में हवाले किया वो। बड़ी अग नूरियाबाद बरसा थे बेन हादसे में इकबाल कुरैशी संदस घरवारी मुसरत सड़ी फोत थी वही हुई, जिनजा मण अज हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 8 में आंदा वया। बिन्हीं जाल मुड़स की जनाजे नमाज अदा करण बाद खेन अबाणे कब्रिस्तान में मिट्टी में हवाले किया वो। इकबाल कुरैशी संदस घरवारी मुसरत जा मण पोचण बाद इलाके में सोग छाइजी वो। पंजाब के एडवोकेट जनरल हनीफ खटाना पेंे अहदे ता इस्तीफा दई छी है। हनीफ खटाना पेंी इस्तीफा पंजाब के वे वजीर शहबाज शरीफ के उमाने छी। पंजाब के एडवोकेट जनरल जो चवण है तो जाती मसरूफियत सबब अहदे से कम न थो कर सके। हनीफ खटाना मौजूद पंजाब के वे वजीर के दरख्वास्त कई तो संदस इस्तीफा कबूल कई वे। हनीफ खटाना की इस्तीफा का पोए पंजाब में एडवोकेट जनरल जो अहदो एक भेरो बीहर खाली थी वो है, जैसे हुकूमत के जल्द नई मुकररी करनी पवंदी। ही हुई इन वक्त ताई जो खबरों खबरों अपडेट्स लाइ विजिट कियो असानी वेबसाइट sindtvnews.net एसंदा रहो सिंध टीवी न्यूज। हजार सालन का तहजीब ए तमंदुन जो मरकज, अरबे खरबे रुपयन जो बजेटू पर पोए भी सिंध देवालपुरे जो शिकार। जै भी खाते जो खातों खोलजे तो
तो खातो ही खाली खोखलो चोरियो फुरू धाड़ा तोड़े कबायले ते नाले में कतलेआम कबायली जरगा की छोटा थन जरगाई भोतारन में कानून जो भव छो खत्म की वो है करोड़पति तपेदार मुख्तियारकार बाला आफिसर की भींग पैसन से विक्रो थींदड़ जाली नौकरियों डिग्रियों जाब्तन मेरिट की लताड़ करप्शन पांजा नवाजी वजीरन कबीरन अमीरन के भायरन पुटन सोटन जू पूरी तरक्यू गंदगी जा ढेर नेकर जे गंदे पानी की बदबू के वर चढ़ियल शहर अवाम जो खून चूसींदड़ भूं के हितरन के भी न बखींदड़ अमलदार इंसाफ कानून जा समूरा इदारा ऐवान कामूरा होतारन जा बांदी बणियल नौकरी मुकररी बधी छोड़ी हर कम भोतारन की चिठी के ताबे आखिर छो समाज के तरक्की बजाय तबाही दां वठी वींदड़ हुक्मरानी के इन अंदाज में सिंध की निजात किया थींदी रियासत कानून हुकूमती अमलदारी किथे आहिन एकी सदी की सिंध पांजे जिस्म ते चुटियल लाकानूनियत अकरबा परवरी करप्शन के कीड़न का छुटकारो चाहे थी उन लाए सभी के सद में सद दई आवाज बुलंद करणो पवंदो सुखी हुकुमरानी की बहाली सिंध की खुशहाली क्रिकेट जुनून makes room, goes up in the air, has it connected? Big shot, it's gone flat, it's gone the distance. Goes again, goes it, goes up in the air! First time in Sindhi media. ICC World Cup 2015. Live and exclusive transmission. Jamie Tindo, Bass, Mobile Show. Pakistan's national and international players are good. Sindh TV and Sindh TV News. Listen to me, sir. Cricket Juno. फर है न ये तो थर है जिते पेट मंज भुख बखे पे आहन से जन मौत रखे पे मोर मरी व्या ढोर मरी व्या जित डुबरा हान बार मर थर जो माई पार कर रोई तो के दान वजार पंजा वाली वारिस थर जा मानु छो बेवारे तुम्हें जी कारी जीप धीमे थी थर जा जूपा रोज लटे थे थर जू मारियों ऐ खेत मरन था तुम्हें जा चेला बिब भरन था केदा तुम जा दर खड़कायों अन्या केतरा तो खे लाश दिखाई अन्या केतरा तो खे लाश दिखाई
रात कराची हैदराबाद के विच में एक मुसाफिर वैन के हादसे में 12 मुसाफिर अड़ी रीत सड़ी फोत थिया जो उन लाश सुणप जोगा न रहा रात की उंदाही सुपर हाईवे की सनसानी में अटकल मुने कलाक तू मू सड़ा रहा जैसे नतीजे में 12 मू सड़ी कोयलो बाकी जे एक दर्जन के करीब मू जख्मी थे बुरी तरह सड़न के कर अस्पताल के वार्डन में मौत के इंतजार में आए। गुजरल कुछ डीहन का जन अखबारों से नजर वजे तो सरासरी तरह हर हफ्ते को अड़ो अलमियो या सानहियो अगे अचे तो जो मानू के हवासन के खता कर छे तो पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल वे वाक्य का कदें मलीर में बस हादसे में 65 मानू सड़ी मरन था कदें शिकारपुर कदें पिशावर कदें रावलपिंडी में इमाम बारगाहों ते हमला थियन था कदें लाहौर में पुलिस के दफ्तर ते हमलो थे तो कदें रेलवे के ट्रेकन ते धमाका गाड़ी ऊंधी थियण जा वाक्या थियन था कदें कदें वरी दहशतगर्दी इंसानी मायूसी जा नित नवा हादसा सामू अचन था जिनमें कदें पीओ पंजा बार मारे तो कदें वरी माओ पंजे बचड़न के कुही खत्म करे थी जेतोणीक इन सभी वाक्यन जो पंजो पस मंजर है पर असी अज सिंध में पेशींदड़ उन रोड हादसन जो जिक्र कंदासी जेके मुल्क में दहशतगर्दी का वधीक मानन जे मौत जो सबब बनजन था। एक मोतबर आलमी इदारे कुछ डी अगु पंजे रिपोर्ट में जानायो हो तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वधीक रोड हादसन में मानू मरन था। रिपोर्ट के अंगन अखरन मूजिब दहशतगर्दी में गुजरल 10 साल दौरान 55,000 मानू मौत के शिकार थे जदें तो उन्हीं ही अरसे में रोड हादसन में मरदड़ मानू जो तादाद उन खां बीणू यानी 1,10,000 है। मुल्क में आम तरह ही सिंध में खास तरह गैस से हलदड़ मुसाफिर गाड़ियों में उ हादसा अजकल आम थी रहा है मुसाफिर गाड़ियों में पियल गैस सिलेंडर बमन जो रूप इख्तियार कर चुका है। 20 नवंबर 2011 से सिंध के वे वजीर सैयद कामिल शाह के जिले खैरपुर में सीठार जा शहर लग एक वैन में पिण सिलेंडर फाटो हो जैमें 17 मारवाड़ी पुरियत मारजी व्या हुआ। उन्हें पोरियतन के मौत से सरकारी अहदेदार ऐलान किया हुआ तो मार जी वेलन के मुआवजो दिनों वो पर चैन साल गुजरी वन बावजूद कें भी पोरियत के एक रुपयो भी मुआवजे जो न मिलो है जिन घरान जा कंदड़ कमाइंदड़ फर्द वैन के सिलेंडर के बमन में मार जी व्या अज भी दर पदर खाक बसर वारी जिंदगी गुजारे रहा है। खैरपुर जिले के सेठार जा शहर वे वाक्य का सिंध में यह मुतालबा शुरू थी व्या हुआ तो मुसाफिर गाड़ियों में गैस के इस्तेमाल से पाबंदी भी थी वे पर उहो मुतालबो रेडियन की सूरत इख्तियार कंदो आखिर खामोशी में तब्दील थी वो। गुजर रात नूरियाबाद लगे थियल अड़े बे हादसे वरी सिंध के सुतल सरकार के कन से जूं के चोरण की कोशिश कई है तो इन दस में के असराए ता कदम खया वन
मुसाफिर गाड़ियों में गैस के बमन जड़न सिलेंडर के फाटण जहा वाकया उन करे भी घना थियन था जो मुसाफिर गाड़ियों खास कर वेनन के मालिकन के रुगो कमाई से दिलचस्पी हुए थी और गाड़ियों की फिटनेस जो ख्याल न था रखन उनके इन गाल से दिलचस्पी न होंगी है आया गाड़ियों में फिट थियल सिलेंडर दुरुस्त आनी तबई उम्र विनाय न वेठा वेनन समेत मुसाफिर गाड़ियों जहा मालिक गाड़ियों जहा किराया डीजल के अघ मुताबिक उगाड़ींदा गाड़ियों में इस्तेमाल वरी सीएनजी कंदा वेनन समेत कें भी मुसाफिर गाड़ी से नजर रखने लाय सिंध में को भी अड़ो सरकारी इदारो ना है जैका उन्हें बाबत का पुछा गाछा कर सकजे तो गाड़ियों फिटनेस मुताबिक हलन थियो या उन्हें में सीट मुताबिक मुसाफिर खया वन था या उन्हें गाड़ियों जहा मुकर कल किराया उसूलन मूजिब सरकारी कानून मूजिब दुरुस्त आन सिंध सरकार जो ट्रांसपोर्ट खातो तजण सिंध सरकार में एक घोष्ट खातो है जो कदें भी कें मानू के किथे भी नजर न इंदो सिंध के रस्तन से मुसाफिर के खड़ी हलंदड़ उन्हें मौत के सौदागर सवार केर भी नजर रखण केर भी उन्हें चकासण वारो ना है आवाम के थोड़ी घनी उम्मीद कुछ ढी अग मोटरवे में पैदा थी हुई पर हाने मोटरवे भी लगे तो मुल्की करप्शन के रंग में रंगजी वो है कदें भी किथे भी मोटरवे पुलिस के अहलकार कें वेन के या कें मुसाफिर गाड़ी के बिहारे इो चेक न किया है उन गाड़ी में मुसाफिर घना वेठल उहे भी सीटों के कानून मुताबिक आहिन या ना आहिन पर इनो मतलब इो है आवाम हाने हर रोज अखबारों वेही पढ़े या टीवियों से खबरों बुधी इन गाल जो इंतजार करे ताजु केतरा हादसा थिया उन हादसों में केतरा मानू मौत के मुंह में व्या मरी वेलन या जख्मी थियलन में उन्हें पंजे दोस्तन अजीजन जो अंग केतरो है जी छोरींदड़ हादसो हाव दकाए चुकान माहौल के घर में मातम रोज पिटको लगो पिया और शायद सिंध गवर्नमेंट हाने शायद इन रोज पिटकन का कें भी किस्मत का आरी थी चुकी हर एहसास का छो जो एकड़ो हादसो थोड़ी सखर वे हादसे के रहूं खैरपुर वे हादसे के रहूं शिकारपुर वे हादसे के रहूं जे इतने मलीर में थो या इन वे हादसे के रहूं या दौलतपुर वे हादसे के रहूं कड़न कड़न हादसों के रहूं असा जी उन बार खसजी वह माओं के घर में मातम लगल आ इन मल तीन उन्होंने वो कंपनसेशन भी नई सकान सिर्फ गाल ही है असा यो मुल्ताबल रिजाइन कन ट्रांसपोर्ट वो मिनिस्टर रिजाइन करे जने पंज साल पोया भी वो कुछ न करे सकया ट्रांसपोर्ट में कें भी हवाले से उन्हें रिलीफ ना आने सकया कोई अड़ी कारकर्दगी न दिखारे सकया न सीएनजी सिलेंडर के लिए भला करारदादू पास करने जो केड़ो फायदो आ असा केड़ी करारदादू पास कई से सिलेंडर खत्म कियो सिलेंडर सिस्टम खत्म कियो यो बम आ यो हलंदड़ फिरंदड़ बम आ जो गाड़ियों में रखो था और वही जानू जो जया थी वन उन सिर्फ मगफिरतू और दुआन इन कर हाँ पा रिजाइन कर घर वेहन इन यह हुकूमत को हल ये तो बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के जो हादसात हैं और ये पहले भी हो चुका है ये कोई अभी नहीं हुआ है ये पहले भी हो चुका है और जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे किसी को सजा नहीं देंगे इसके ऊपर तो ये बार बार होंगे और जो लोग इनकी दुकानें खोल के बैठे हैं सबसे पहले उनको पकड़ें और देखें ये और सिलेंडर्स कहाँ कहाँ हैं स्कूलों के बसों में भी लगाए हुए हैं बच्चों की बसों में लगाए हुए हैं ये सारे सिलेंडर्स जो हैं ये सारे बैन होने चाहिए बिल्कुल बैन होने चाहिए और जिसके भी हैं चाहे उसके पीछे कोई भी हो उनको सामने लेकर आए हमारे मुआशरे में बेहसी का आलम यह है कि कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं है कोई हमने रेजोल्यूशन पास किया है सिंध असेंबली में लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ कि ये जो सिलेंडर आए दिन ये चलते फिरते बम है और आवाम को इससे बहुत ज्यादा मसाइल हैं तकलीफ है इसको रिजोल्व होना चाहिए एक प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसके तहत इन सिलेंडर्स का चेकअप होता है और उसकी मेंटेनेंस होती है लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसको करना चाहिए इसको देखना चाहिए ये ऐसे वाकियात की रोकथाम होनी चाहिए ये जेके गाड़ियों हलन पियूं उन्हें जाहिर है उनकी वेरीफाई थन खपे उनको एक तरीकेकार एक सिस्टम जो उनके मैनेज करो पवो जी सिस्टम के मैनेज न कदा जैसे सभी जो वागू खोले छींदा जो समझा तो अड़ा हादसा रोज जो रहा इन मेहनत करनी जरूरत है कंट्रोल करने की जरूरत है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनमें रेजोल्यूशन जो ध्यान तो अर्ज किया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब पान डे उनमें गैस की उगरा की उनमें रिक्वायरमेंट आ उनमें गैस कड़ी कंपनियां रखना एक बिन का ना लगाना पर वेन वा जैसे किराए के करे छह छह अठ अठ गैस हणंदा गवर्नमेंट से पॉलिसी ठल को वही जाती है दुख जो मुकाम है ये जानू जन इंसान जो तमाम दुख में बराबर है शरीक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके आवाज करनी चाहिए वफाकी गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले क्योंकि वो पेट्रोल की कीमत आप सीएनजी कीमत में
कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो आपको ही पता है। ये जीकता जागता बम लेके जो घूमते हैं और इंसानी जाने इसमें जाया हो रही, इसको खत्म करना चाहिए, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये ट्रांसपोर्टर्स की भी जिम्मेदारी है, और जब इस तरह की सीएनजी किट्स को जो एक पीरियड होता है उसके बाद चेंज करना चाहिए, और ये जो है स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर कि वो अपनी जो है गाड़ी की मेंटेनेंस और खासतौर पर सीएनजी किट की जो है मेंटेनेंस को इंश्योर करें, और ताकि इस तरह से लोगों की जाने जो है वो जाया ना हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है, छा जे करे तो ये अड़ा वाक्य हमेशा थींदा अचन, छो तो इन जे करे तो ये पुराना सिलेंडर रखिया बसुन में, खास कर बसुन में या वेनुन में ये चीज न विजन तो बेहतर है। असा ये चवंदी गवर्नमेंट के फोरी इन एक्शन खो वे, छो तो उनमें ट्रांसपोर्ट जी मतलब आवाम चढ़े थी सफर करे थी, तो इनमें जो वद का वद कोशिश ये चवंदस मेहरबानी करे तो जो सो ये सिलेंडर खत्म कया वन। अदा यो ढो अनफॉर्चुनेट थो है हादसो, सागी नोयत जो है सिलेंडर फटो है, उनमें जहाँ ये इतनी जानू जया थन। मुझे ख्याल में इन जो एको ही हल है तो यहाँ सिलेंडर जन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में न होजन खपन, इन बैन होजन खपे, डीजल ते पेट्रोल ते जी पुराने जमाने में हलंद गाड़ी उ हलन खपन। ये तमाम खतरनाक है, इनमें सेफ्टी सिक्योरिटी जो सही जो इंतजाम रखो को वे पो, तो इन फेडरल गवर्नमेंट के भी सिंध गवर्नमेंट के भी सीरियसली सोचे इन को अमल करण खपे, बिल्कुल पाबंदी लगन खपे। हाँ पेट्रोल डीजल जड़े तरीके से सस्तो बराबरी वो हिसाब है, पर इन समझा सिंध गवर्नमेंट के एक्शन करण खपे, जो ट्रांसपोर्ट जो वजीर है उनके एक्शन वठन खपे, यो बिल बाकायदे करारदार की सूरत में अचान खपे असेंबली के अंदर, यकीन अस आनी तो ये कम से कम ये जी शो बम जो खी या छत से रखल हों या हेठ रखल हों बम कम से कम न हो, जैसे तक किराया भी जी वन पा उ साग्या ही पेट्रोल या डीजल की मद के हिसाब से वन पा, तो उतने सीएनजी हो खे इतने बाकत गवर्नमेंट के कॉन्शियस रहने खपे। छो तो जड़े तरीके से तुम हाँ पा ऐसो तो शहर के अंदर या गोठन के अंदर भी गैस की लोड शेडिंग शुरू की वही है, तो उनकी वजह सिर्फ यह है तो सीएनजी जो पंप है उन्होंने रोको वे। सुपर हाईवे जो हादसो उन अग 2011 में थियल जिले खैरपुर के सेठार जहा शहर वो हादसो सिंध में थियल बया अणगणिया हादसा इन गाल की शाहिदी दियन था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल थींदड़ गैस सिलेंडर सिलेंडर बमन की शिकिल इख्तियार कर फाटी रहायान बेगुनाह मान मुसाफिर की मौत जो सबब बनी रहायान। अड़ी सूरत हाल में सिंध सरकार के घुर्जे तो वह सिंध में हलंदड़ मौत के आम थियल व्यवहार के रोकण ला कोशिश करे, घट में घट मुसाफिर गाड़ी में सीएनजी के इस्तेमाल से पाबंदी लगाए, तो जी गैस से हलंदड़ गाड़ियों के फाटंदड़ सिलेंडर बमन की तबाही का रोके आम मानन के अजाए मौत का बचाए सके। शहर के दिल में मेन मिनारा रोड ते डॉल्फिन टावर एंड शॉपिंग सेंटर चेन कमरन जा कुशादा अपार्टमेंट बिन कुशादा फ्लोर ते फैलियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग सेंटर डॉल्फिन टावर एंड शॉपिंग सेंटर बुकिंग आई तफसील लाए मार्क वन मार्केटिंग नेटवर्क। नाजरीन असा पेंजे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजून के बहस कंदासी, इंतजामिया जेका है उनकी छा जिम्मेदारी है, प्राइवेट एनजीओ ने बनवाया था तो सीमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ था, पानी खोट जो मसलो आबादगार पारा जो सामू आयो है, बासर मानू जो पानी खोचा ना दियन तुम भी बासर आयो, इंकलाब की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, वो आइन के मुताबिक उनका हल नहीं चाहते तो फिर वो क्या चाहते, हमारी सियासत दफन हो जाएगी या नवाज शरीफ की हुकूमत का कब्र हिस्सा आई मुर्दाबाद वेरी एक्सपेंसिव तुम्हारे सामने हुआ है, बैंकॉक में तुम्हारे सामने हुआ है, इलेक्शन कोई खेल नहीं है जो बार बार किया जाए, 10-15 लाख मानू अची वन उन्हीं के कंट्रोल करण असाजे बस में है। जेका जारियत है मासूम बारड़ा वेचारा उनके नो बख्यो वे, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ दैट इजराइल के अमेरिकन सपोर्ट कंदा है, अमेरिका सा वरी वेस्टर्न पार्ट बस पर्दा जेके आहन गालियों उनन ते भी थोड़ो फोकस कंदा सी।
क्लासरूम में अवां सबनी जो आदर बा मां मिट्टिया धरतिया दजा मुके केडी खबर मां न तो गलाया हिस्ट्री थी गाले एक का जे मसली कायनात असा नो वडे वजूद जा इकरा पितकड़ा वजूद आई मुके ढेजारो छो था राइफल जो फायरिंग करे माइग्रेशन सिंधी मुसलमान जे हिस्से में अचिया ने असा तो बर्बाद थी वने चार पैसा हूं तो मजाल जो पांच बार के सरकारी स्कूल में पढ़ाओ मानू जो अरवाई सरकार तक खड़ी हुआ सही किताब खोलो किताब पढ़ो टेवीह सालनि जी विथी खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जा मैदान क्रिकेट जे आलमी मुक़ाबलनि लाइ दुनिया जी नज़रुनि में आहिनि। 1992 जो क्रिकेट आलमी कप जंहिं अछे बाल ऐं मुल्की किटियुनि वारे रंग खे आम कयो उन साॻे वर्ल्ड कप वारे माज़ी जो हिन यानि 2015 वारे आलमी क्रिकेट मेले में वर्जाउ थी रहियो आहे। चौॾहीं फेबरवरी खां 29 मार्च 2015 ताईं 49 मैचूं जिन मां 26 मैचिस ऑस्ट्रेलिया ऐं 23 मैचिस न्यूज़ीलैंड जे मैदाननि ते खेॾियूं वेंदियूं ऐं फाइनल मुक़ाबिलो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ते खेॾियो वेंदो। आलमी क्रिकेट कप 2015 खे 14 टीमुनि जी शिरकत सां ॿिनि पूलनि में विरिहायो वियो आहे ऐं हर पूल में शामिल हिकु टीम 6 मैच खेॾी सघंदी, जॾहिं त पूल मैचिस यानी लीग बेसिस ते हलंदड़ क्रिकेट जे हिननि आलमी मुक़ाबलनि में 7 मां 3 टीमूं शिकस्त खाइण जी बुनियाद ते टूर्नामेंट मां ॿाहिर थी वेंदियूं ऐं ॿिन्ही पूलनि मां 4-4 टीमूं क्वार्टर फाइनल लाइ कामयाब थींदियूं, जिन मां हर पूल मां 2-2 टीमूं ख़ारिज ऐं 2-2 अॻिते यानी सेमी फाइनल मुक़ाबलनि में ईंदियूं, जिथां पोइ वरी हिकु टीम ख़ारिज ऐं आख़िर में वञी फाइनल मुक़ाबिलो ॿिनि टीमुनि विच में खेॾियो वेंदो। 2015 आलमी क्रिकेट कप खे 2011 वारे आलमी क्रिकेट कप वारे ई फॉर्मेट में रखियो वियो आहे। हिन टूर्नामेंट में सुपर ओवर बि रखियो वियो आहे, पर सुपर ओवर फाइनल मैच ते लागू न हूंदो, यानी फाइनल मुक़ाबिलो बराबरि थियण जी सूरत में सुपर ओवर तहत फ़ैसिलो न थींदो, पर ॿिन्ही टीमुनि खे बराबरी जी बुनियाद ते इनाम ॾिनो वेंदो ऐं खेनि क्रिकेट जो आलमी बादशाह सॾियो वेंदो। 2015 जे आलमी क्रिकेट कप खे पूल ए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बंगलादेश, न्यूज़ीलैंड, अफ़गानिस्तान ऐं स्कॉटलैंड,
पूल बी में दक्षिण अफ्रीका भारत पाकिस्तान वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे आयरलैंड गडल अरब इमारात की टीमों शामिल हैं। वर्ल्ड कप के उणवंजाह मैचेस के वीह एम्पायर अमीन बण की फैसला कंदा जन में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जा पंज पंज एम्पायर दक्षिण अफ्रीका जा ब न्यूजीलैंड जा ब भारत पाकिस्तान जो एक एक एम्पायर जडे तो श्रीलंका जा टे वेस्टइंडीज जो एक एम्पायर इन आलमी क्रिकेट के मुकाबलन यानि 2015 वाले वर्ल्ड कप के यानि अमीन तौर फर्ज सर अंजाम दींदा। यो पिण याद रखण घुर्जे तो पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार जो ही वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप हों इन वर्ल्ड कप का पोए हु एम्पायरिंग ता रिटायरमेंट जो ऐलान कंदो। क्रिकेट चाहींदड़न जी मालूमात लाइ यो पिण इजाफो कंदो हलजे तो पाकिस्तान के हिस्से में जेकॾहिं वधीक मैचेस की फतह न थी पे अचे तो कौमी टीम के कड़ी भी रीत बहरहाल पी रन रेट बेहतर रखनी आए छो तो वेस्टइंडीज के घट में घट हारायण सिवा या आयरलैंड से जो कौमी टीम जो आखिरी मैच है उन वे स्कोर से हारायण बिना बहरहाल पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल ताई पहुंचण जा इम्कान इन सूरतों का सवाए घट नजर अचन था छो तो इन वक्त ताई पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस में बंग्लादेश इंग्लैंड के शिकस्त देने बावजूद कौमी टीम अना सूदो मोस्ट फेवरेट टीम की कतार में अची न सघी है जै करे मैचेस में फतह हासिल करण से गडो गड पूल बी में कौमी टीम के पी रन रेट बेहतर रखण तमाम घणो जरूरी है छो तो आलमी कप 2015 के क्वार्टर फाइनल के मुखालिफ पूल में खेडा वो यानि पूल ए में पेरे नंबर से इंदड़ टीम पूल बी के चौथे नंबर से खेडंदी पूल ए के बे नंबर से इंदड़ टीम पूल बी के टे नंबर से पूल बी की पेरे नंबर से इंदड़ टीम पूल ए के चौथे नंबर से इंदड़ टीम से मुआद अटकाईंदी तंहिं करे पाकिस्तान के कंहिं बि तरह पूल ए जी बिन टीमों ने यानि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कुंडाए तो थियणो पवंदो छो तो इन वक्त जो इम्कानी तौर इन्हनि बिन्ही टीमों जो ही पेरे बे नंबर से रहण जो इम्कान वधीक आहे। कौमी टीम की वर्ल्ड कप 2015 में कारकर्दगी कड़ी रहे थी इहो तो कुछ ॾींहनि में नतीजो ईंदो जंहिं लाइ तजस्सुस अञा बरकरार आहे पर क्रिकेट जे आलमी मेले जूं इफ़्तिताही तक़रीबूं ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड में शानदार नमूने सां मुनक़िद करे पूरी दुनिया के रंगन रोशनियों ने मोहब्बतों ने अमुन जो पैगाम दिनों वो। वर्ल्ड कप 2015 की मुनद कल तकरीबन में वर्ल्ड कप में शामिल टीमों के कप्तान शिरकत कई हाँ मुल्क पारा गीतन के गुलदस्ते में पी मौजूदगी जज्बे को इजहार कर so high, shout and touch the sky, your dreams, your destiny, celebrate mystery, every night and day, every game you play, come to glory now, make history now, raise your head so high, shout and touch the sky, your dreams, your destiny, celebrate victory, play, play for the game, play for the star. लिखे ये दास्तां दिलों को जीतने तो आओ संग मेरे आओ जीत लो लम्हे को तो आओ संग मेरे गाओ जीतना हर दिल को। वर्ल्ड कप 2015 जी एड़ी शानदार तकरीब का पोए शौकीन जो नजरू मैदान ते रांदीगरन में खुपी व्यू आन क्रिकेट के आम ढिसंदड़न का टेस्ट क्रिकेटर क्रिकेट के आलमी माहिर ताई हर मानू फाल वारो बणजी फातेह कहीं न कहीं टीम के सदे तो पर मजमूई तौर ढिसंदड़ क्रिकेट माहिर टिन टीमों ने यानि दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के इम्कानी तौर 2015 जो फातेह समझी रहा है। मजमूई तौर क्रिकेट माहिर की नजर में न ऑस्ट्रेलिया न न्यूजीलैंड पर इन भेरे दक्षिण अफ्रीका की टीम इम्कानी तौर वर्ल्ड कप 2015 लाइ सब का वधीक फेवरेट करार डिनी पई वे सरसरी तौर टीम जो जायजो वठी दिसूं था त कड़ी टीम केतरे पानी में आए सब का पेरी शुरुआत करूं था अफगानिस्तान का अफगानिस्तान की टीम का इब्तदा था करूं अफगानिस्तान की टीम मोहम्मद नबी की अगुवाणी में वर्ल्ड कप 2015 में आए संदन वर्ल्ड कप में पेरी शुरुआत है बेन टीमों से मुकाबले लाए अफगानिस्तान वट मिडल ऑर्डर बैट्समैन नजीबुल्ला ज़दरान जो ही खेन सहारो है
याने एक बैट्समैन के आधार से इन टीम लाइ इ अग कथी कर सकजे थी तो अफगानिस्तान की टीम ग्रुप मैचेस में ही पैं पहाड़ी इलाकन दां वापस वरी वेंदी। वर्ल्ड कप 2015 की मोस्ट फेवरेट चवराइंदर टीम ऑस्ट्रेलिया जतोणीक 1987 1999 2003 2007 वारन वर्ल्ड कपन की फातह रही है। इन वक्त ग्लेन मैक्सविल डेविड वार्नर जेम्स फोल्कनर मिचेल स्टार्क ते इनसार करे थी पर इन टीम के वर्ल्ड कप 2015 जो विनर न पर रनर चयो पियो वञे। बंग्लादेश की टीम मुशरफी मुर्तजा की कयादत में मैदान ते आए बंग्लादेश वट ताजीउल इस्लाम लेफ्ट आर्म स्पिनर समेत बेन ऑल राउंडर्स ते मैदान में बंग्लादेश की टीम पाया जोर डेखारींदी। बंग्लादेश 2007 वाले वर्ल्ड कप में सुपर एट मरहले में पहुंतो पर इन भेरे ग्रुप स्टेज का अगते नजर नथो अचे। इंग्लैंड की टीम एवन मॉर्गन की अगवाणी में फातह बणजण लाइ तैयार है जडे तो 1979 1987 1992 के आलमी क्रिकेट मुकाबलन में इंग्लैंड की टीम रनर अप रही है। इंग्लैंड की टीम आयन मॉर्गन जूई रूट एन बेल बटलर और जेम्स एंडरसन से ही मैदान मारण की कोशिश कंदी पर इन टीम के भी माहिर सेमीफाइनल का अगते न डिसी रहा है। भारत की टीम जैसे भारत जो सुपरस्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर सेमीफाइनल में डिसी रो है सा टीम एम एस धोनी की क्यादत में मैदान से आए जडे त भारत की टीम में बया खतरनाक रांदीगर विराट कोहली रोहित शर्मा सुरेश रैना शेखर धवन मोहम्मद शामी और धोनी कें भी टीम लाए खतरनाक साबित थी सकन था। भारत इन आलमी कप का अगु 1983 2011 के मुकाबलन में आलमी क्रिकेट मुकाबलन की फातह रही चुकी है और भारत की टीम के भी आलमी माहिर क्वार्टर फाइनल का अगते न डिसी रहा है। भारत का पोए आयरलैंड की टीम विलियम पोर्ट फेलबर की कप्तानी हेठ मैदान में है 2007 के वर्ल्ड कप में सुपर एट मरहले में पहुंती हुई पर इन भेरे आयरलैंड की टीम ग्रुप स्टेज से ही घर वेंदे नजर अचे थी पर आयरलैंड में कें भी अपसेट की उम्मीद बहरहाल जरूर रखी सकजे थी। न्यूजीलैंड की टीम ब्रेडन मैकलेम की क्यादत में केन विलियमसन रोस टेलर जेम्स एंडरसन और रूकी से गड मैदान मिली जडे तो इन आलमी कप का अगु 1975 1979 1992 1999 2007 2011 में सेमीफाइनल मुकाबलन में न्यूजीलैंड की टीम हारजी चुकी है। जितोणीक इन वक्त 2015 वाले क्रिकेट के आलमी मुकाबलन में न्यूजीलैंड के फेवरेट तो चयो तो वे पर घणो करे क्रिकेट जा आलमी माहिर इन गाल ते मुतफिक आयन त वर्ल्ड कप 2015 में सेमीफाइनल का अगते न्यूजीलैंड की टीम न सुरी सकंदी। पाकिस्तानी टीम मिसबाह उलक की क्यादत में अहमद शहजाद यूनिस खान सोएब मकसूद शाहिद खान आफरीदी उमर अकमल और मोहम्मद इरफान से गड कें भी वक्त कें भी टीम की शिकस्त देने की सघ रखे थी कौमी टीम 1992 की फातह पिण रही चुकी है पर पाकिस्तान की टीम मुतलिक भी आलमी माहिरन जो चवण है त पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल का अगते नजर नथी अचे। स्कॉटलैंड की टीम पिस्टेन मोसिन की अगवाणी में वर्ल्ड कप 2015 में शामिल तो है पर यह टीम भी ग्रुप मैचेस का अगते नजर नथी अचे यानि बेन टीमों जा पॉइंट वधाने लाई 2015 वाले वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की टीम शामिल है। दक्षिण अफ्रीका जेका सुपरस्टार बैट्समैन एबी डिविलियर्स की अगवाणी में डी काक हाशिम आमला फाफ डिप्लेसिस डेल स्टेन मोर्नी मोर्कल सा मैदान से इन वर्ल्ड कप की मोस्ट फेवरेट टीम है जडे तो माजी के क्रिकेट रिकॉर्ड्स में 1992 1999 2007 में सेमीफाइनल का दक्षिण अफ्रीका की टीम अगते न वधी सकी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम से माजी में भाग न भड़ायो है इन भेरे जैसे किस्मत संदन साथ दिनो तो दक्षिण अफ्रीका ही 2015 वाले आलमी कप की फातह होंगी। श्रीलंका की टीम कप्तान एंजलू मैथ्यूज की अगवाणी में कुमारा संगाकारा जयवर्धनी कुशल दिलशान मलंगा हिरात परेरा सा गड मैदान मल्हाण की कोशिश कंदी श्रीलंका की टीम 1996 वाले वर्ल्ड कप की फातह रही चुकी है जडे तो इन भेरे खेन क्वार्टर फाइनल का अगते माहिर न डिसी रहा है। गडियल अरब इमारात की टीम मोहम्मद तोकीर की अगवाणी में आलमी कप में आए पर ग्रुप स्टेज का अगते यह भी टीम नजर नथी अचे जडे तो वेस्ट इंडीज की टीम 1975 1979 के आलमी क्रिकेट मुकाबलन की चैंपियन रही चुकी है पर इन भेरे जेसन होल्डर एंड्री रसिल ड्रेन सामी ते इनसार कंदी पर वेस्ट इंडीज के भी क्वार्टर फाइनल का क्रिकेट जा आलमी माहिर अगते न डिसी रहा है जैंजो अकेलो सबब वेस्ट इंडीज के रांदीगरन जो ओचतो अनफिट थियण है। जिम्बाब्वे की टीम एल्टन चुगम्बरा की अगवाणी में सुलोमान मरी ते ही इनसार करे थी
ऐं ज़िम्बाब्वे जी टीम मां अपसेट थियण जी उमेद रखी सघिजे थी, छो त वार्म अप मैच में बि श्रीलंका खे अपसेट कंदे ज़िम्बाब्वे शिकस्त ॾेई चुकी आहे। ऐं क्रिकेट जे आलमी मुक़ाबलनि यानी 2015 वारे वर्ल्ड कप में बि ज़िम्बाब्वे कंहिं बि टीम जूं उमेदूं दूर करण जी सघ बहराल रखे थी, पर क्रिकेट माहिर ज़िम्बाब्वे जी टीम खे बि ग्रुप स्टेज खां अॻिते ॾॾु थी रहिया आहिनि। वर्ल्ड कप 2015 जो फातिह केरु थींदो? तजज़िये निगारनि जा तजज़िया पंहिंजी जॻह ते, पर हीउ वर्ल्ड कप ऐं क्रिकेट में अॻु जी भेट में आयल तेज़ी खां पोइ हिन वक़्तु हिन ॻाल्हि खां केरु बि इनकार न कंदो त हीउ वर्ल्ड कप असुल में बैट्समैननि विच में क्रिकेट जो आलमी मुक़ाबिलो आहे। ऐं हिन आलमी मुक़ाबले में हिन वक़्तु ॾखिण अफ्रीकी टीम सभ खां अॻिते ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां नज़र अचे थी। तंहिं करे भारत जे सुपर स्टार बैट्समैन सचिन टेंडुलकर पारां सेमीफाइनल में इम्कानी तौर पहुचंदड़ टीमुनि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूज़ीलैंड ऐं ॾखिण अफ्रीका मां टिनि टीमुनि खे ॿाहिरि कंदे असां सम्झूं था ऐं वेझण वारी क्रिकेट जी तारीख़ ॿुधाए थी त हिन वर्ल्ड कप 2015 जी इम्कानी तौर फातिह टीम बहरहाल ॾखिण अफ्रीका ई आहे। Can you play? Pump to glory now, make it glory now. Raise your head so high, shout and touch the sky. Your dreams, your destiny, celebrate victory.